अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो आप देख सकते हैं आज मैंने आपके लिए अंडे और आलू की करी बनाई है। मैं आज ये करी बनाने वाली ही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ ये अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो कैसे हैं आप सब? सब आई होप सब अच्छे ही होंगे। और चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी इसी तरह की अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं, अलग अलग रेसिपी देख सकते हैं। अगर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप सबसे पहले देखें और वीडियो को एंड तक देखें। मेरी ये करी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। घर के मसालों से ही आप इतने मज़ेदार सिंपल सा और एकदम अलग तरीके का अंडे आलू की करी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से ये करी बना के बताना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए मैं मज़ेदार से अंडे आलू की करी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अंडे मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं। मैं यहाँ पे 9 अंडे मैंने लिए हैं। आप जितना अंडे का बना सकते हैं आपकी मर्जी। तो अब अंडे को मैंने बॉईल कर लिया है और आलू को मैंने इस तरह से लंबे लंबे साइज में थोड़ा मोटी मोटी कट करा है। तो इसको अच्छे से धो के मैंने छान लिया है। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन गर्म भी हो चुका है तो अब इसमें ऑयल डाल लेंगे। तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल। आप अपनी कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। तो ऑयल मैंने डाल लिया, ऑयल गर्म हो चुका है। तो ऑयल में अब हम अंडे डालेंगे ताकि हमारे अंडे जो है हम फ्राई कर सकें। तो आराम से डालेंगे अंडे और अंडे डाल के हमें अंडे को गोल्डन ब्राउन करना है। तो मैं गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेती हूँ। तो अंडे जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। अंडे निकालने के बाद उसी ऑयल में मैंने आलू जो कट करके रखा है आलू को भी डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू को भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो आलू भी निकाल लेती हूँ। अब फिर से हम उसी कढ़ाई में और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो गैस का फ्लेम जो है हम स्लो कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग और 1 तेज़पत्ता और काली मिर्च। इसे डालने के बाद हम तुरंत डाल देंगे कटी हुई ऑनियन। ऑनियन को मैंने एकदम चॉप कर बारीक चॉप कर लिया है। अब 2 मीडियम साइज का ऑनियन मैंने काटा है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ऑनियन जो है एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसमें अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हम भून लेंगे। लेकिन इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्च। मिर्च के साथ ही हम इसको भून लेते हैं अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। अदरक लहसुन को 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर जो है 2 मीडियम साइज का मैंने इस तरह से रफली कट करा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है क्योंकि ये मसालों के साथ भुन जाएगा और अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो टमाटर डालने के बाद हम जो है इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून जो है जीरा पाउडर मैंने ऐड किया। अब इसमें हल्दी पाउडर जो है मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूंगी और लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करें। और नमक जो है मैं इसमें 1.5 टीस्पून ऐड करूंगी। आप नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद हम जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद में गैस का फ्लेम जो है हाई कर लेंगे और टमाटर के साथ मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ लीड ढक के। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून के आपको बताती हूँ। तो लीड ढक देंगे हम अभी। तो चलिए टमाटर अब
चेक कर लेते हैं। हमने 3 से 4 मिनट तक जो है लीड ढक के टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, सॉफ्ट हो गया है टमाटर। अब इसी में ही जो है हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू इसी में ही ऐड कर देंगे। हम आलू को ऐड करने के बाद आलू के साथ हम 2 से 3 मिनट तक इसी टमाटर और मसालों के साथ में भून लेंगे इसी तरह से। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूंगी। पानी जो है 1.5 कप हम इसमें डालेंगे। 1.5 कप पानी हमने ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में लिड ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। तो आलू डाल के पानी डाला हमने और 5 मिनट पकाया मीडियम टू हाई फ्लेम में। अब जो है गैस का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू जो है हमारा अभी तक पका नहीं है, लेकिन हम इसी टाइम में अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद जो है इसमें हम और 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। इस तरह से पानी ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो में रख लेंगे और इसको फिर से लीड ढक लेंगे। हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे और बीच में एक बार चेक कर लेंगे। 10 मिनट से पहले हमारा जब आलू पक जाएगा तो हम उसी टाइम में खोल लेंगे, अगर नहीं पका होगा तो 10 मिनट तक हम पकाएंगे। तो मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी और बीच में एक बार चेक कर लूंगी। तो अंडा डालने के बाद मैंने 5 से 7 मिनट पकाया। अब एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी जो है आलू और अंडे की करी दिख रही है। अगर हमारा आलू पक गया होगा तो हम और इसे नहीं पकाएंगे। तो ये आराम से टूट रहा है, तो हमें इसे 10 मिनट बन पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से 7 मिनट में आलू हमारा पक गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर जो है मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी। और अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया और हमें इतना ही ग्रेवी रखना है, ये एकदम सही है। तो अब एक बार मिक्स कर लेंगे और तेज़पत्ता जो है मैं निकाल लेती हूँ। इसको मिक्स करने के बाद में और अब इसका लीड ढक देंगे। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर लिया है। अब 1 मिनट के लिए इसी तरह से गरम मसाला और हरे धनिया से के साथ पकाएंगे। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी, हमारा करी बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा अंडा और आलू का करी बन के तैयार है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। हम 2 से 3 मिनट के बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी अंडे और आलू की करी एकदम तैयार है। आप इसे रोटी, राइस, पराठे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आसान है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये मेरी रेसिपी है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये अंडे आलू की करी कैसी लगी। तो फिर मिलती हूँ एक अलग मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।